नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं अनाज मंडी गेट पर खड़ा हूं और यहां पर आपको दिखा दूं, मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं रोड जाम। जो स्टेट हाईवे है 11 वो जाम कर दिया गया। कैमरामैन को कहूंगा एक बार पीछे भी दिखा दे, पूरा रोड जाम कर दिया गया है। आप देख सकते हैं लंबी कतारें वाहनों की लग चुकी है। और अब आपको बता दूं कि कतारें आखिर लगी क्यों है। यहाँ पर किसानों ने गेट पर ताला जड़ दिया है। ताला क्यों जड़ा है वो भी जानने वाले हैं, वो दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर आपको दिखा दें कि सेक्टरी को भी उन्होंने घेर लिया है। आखिर वजह क्या है, किसानों के रोष की वजह क्या है, क्यों उन्होंने ताला जड़ा है, वो सब हम बताने वाले हैं। और यहाँ पर सेक्रेटरी को उन्होंने घेर लिया है, क्या क्या आरोप है किसानों के, उनसे हम जानना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पंजीकरण हो गया, फिर पीछे क्या रह गया, फिर पीछे क्या रह गया, पंजीकरण हुआ है। अब 10 बजे के बाद पंजीकरण हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या, आखिर किस लिए यहाँ पर ताला जड़ा गया। देखिए यहाँ जो मंडी की व्यवस्था है ना, वो बिल्कुल ही मतलब कि एक मान लो कि डमी टाइप है। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। मेरी खुद की धान सी 4 किलो की थी, 16 क्विंटल कम होगी, जो यहाँ कंडा हुआ था, जो अंदर कंडा हुआ है। अब इन भाइयों के 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 15 तारीख जीरी पड़ी हुई है। सारे जिम्मेदार इतने बहुत परेशान ने, कोई हमारी आवाज नहीं सुन रहा। 10 बजे के मार्केट कमेटी आके बैठे हैं, कोई सेक्रेटरी साहब कोई आके हमारे साथ बात नहीं करी। दुखी होके आण के जंदरा ताला। अब अधिकारी सामने आए हैं, अब ये देखो सारे खड़े हैं जी। बिल्कुल मैं अभी जो सेक्रेटरी साहब है उनसे भी बात करने वाला हूं। यहां पर तहसीलदार हैं रामपाल जी, वो भी यहां पर पहुंचे किसानों से बात करने के लिए। सेक्रेटरी साहब, आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं, आखिर वजह क्या है? अगर मैं आपको एक आश्वासन दिलाना चाहूंगा, अगर मैं किसानों की बात मैं नहीं सुन रहा, जो जैसे ही आप मेरे पास पूरा पत्राचार है, जो भी यहाँ पे अगर एक दिन भी बोली नहीं होती, मैं तुरंत डिप्टी कमिश्नर साहब को बताता हूँ, एसडीएम साहब को बताता हूँ कि जी इस कारण से यहाँ पे परचेज नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे पीछे 3 दिन से तो मिलर ही नहीं है, किसी को मिलर के कहीं ना कहीं मानते हैं कि पिछले तीन दिन से यहाँ खरीद नहीं हो पाई है। 3 दिन से शुक्रवार शनिवार सोमवार इतवार सोमवार 4 दिन हो गए, 4 दिन से परचेज नहीं हुई है। जबकि वो कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि 15 दिन से भी किसानों की जो फसल है वो पड़ी है अभी तक नहीं। 15 दिन से जो पड़ी है उसके पास आया होगा, परचेजर चेक करके गया होगा, कोई ना कोई उस टाइम नमी का कोई मैटर रहा होगा, ठीक है। तो अब रामपाल जी आप यहाँ पर पहुंचे हैं जी। बिल्कुल जी, अभी रामपाल जी भी है यहाँ पर, सभी से प्रशासन भी चाहिए। बिल्कुल हम आपकी आप सब की बात प्रशासन भी चाहिए, जिम्मेदार भी चाहिए, पत्रकार भी चाहिए। हम अपना जीरी लेके आते हैं लबाबे में डाल के, जो उसमें मोचर होगा ते आप बताओ क्या सभी साहब, क्या मॉइस्चर की दिक्कत है कहीं ना कहीं। एक मिनट हटाना, आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान है जो आर पार के मूड में है। गेट बंद कर दिया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको बता दें कि किसान है अब सुनने के मूड में नहीं है, आर पार के मूड में है, ताला उन्होंने जड़ दिया है, सेक्रेटरी से बात नहीं करना चाहते हैं। आप देखते रहिएगा, बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। ठीक है, बारिश लागे दिखे होगी। कर रहा हूँ अभी, मैं पूछ रहा हूँ तो गेट को ताला लगाया अनाज मंडी के सामने, क्या कारण है? मैंने पहले भी बता दिया आप सबको, पिछले 4 दिन से कोई किसी तरह की खरीद नहीं हुई है सरकार। क्या कारण है सर? उसका कारण ये है कि जो जो हमारे यहाँ मिलर है ना, एक मिलर की कैपेसिटी पूरी हो गई है, दूसरा मिलर के पास बारदाना नहीं है। उसके लिए मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब है, एसडीएम साहब है, उनको बता दिया गया था पहले ही, उन्होंने आश्वासन दिवाया था कि आज हो जाएगा मिलर अलॉट होने में, 1-2 दिन का टाइम लगता है, जो दूसरा नया मिलर लगाना है अलॉट होना है। आज अलॉट हो चुका है, वो मिलर आपकी मंडी में ही है अभी,
उससे पहले की खरीद होती। हाँ अंदर है जी। कितनी देर बाद खरीद शुरू हो जाएगी? आज इस मंडी में एक भी दाना नहीं बचेगा पीआर का। और बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसानों से जाना चाहेंगे? किसानों से। अब वो कहते हैं कि आज खरीद शुरू हो जाएगी, शाम तक दाना नहीं बचेगा, तो क्या आप खोलेंगे गेट? जो सेक्टरी साहब कह रहे हैं कि आज नए मिलर से बात हुई है, तो हमारे जो किसान भाई आज से 15 से 20 दिन तक जिनकी जीरी पड़ी हुई है सर, अभी आज की अगर वो बात करें, आज बिक जाएगा, उठ जाएगा, तब आप खोलेंगे? क्या उनका साथ देंगे सर? आज नुकसान की भरपाई कौन करेगा? नुकसान की भरपाई? हाँ बिल्कुल, मेरी बात सुनो सर, एक मिनट, एक मिनट। अब कसूर तो नहीं है ना, किसानों का कसूर है ना, इनका नुकसान है, उनका नुकसान है ना, आर्थिक नुकसान है। तो क्या गेट नहीं खुलने वाला है? नहीं खोलेंगे गेट, नहीं खुलने वाला है। मंडी में ही आएगा फसल बेचने के लिए, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जो अव्यवस्था थी उसके बारे में मैंने सरकार को पहले से बता दिया था कि पीछे से वारदाना नहीं था। पहले ही परेशान काफी है, तो क्या इसकी व्यवस्था पहले नहीं की जा सकती थी? नहीं, जो परचेज जिसने करनी थी, जिस एजेंसी ने परचेज करनी थी, सारी व्यवस्था पहले भी तो बना सकते थे। ये नौबत ही ना आती ताला जड़ने की। मैं ये पहले भी तो कर सकते आप, ये काम आप पहले भी तो कर सकते। नहीं, हमने ऐसा है, मैं हम परचेज करने के लिए प्रतिबद्ध है, सरकार प्रतिबद्ध है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, सारी जितनी मंडी है प्रतिबद्ध हो, सरकार भी प्रतिबद्ध है, किसानों ने ताला लगा रखा है, ये तो कोई बात नहीं सर। आप जो कह रहे हो आप अपनी ठीक है, मैं आपकी बात को कहीं वो काट ही नहीं रहा। नहीं, आप प्रतिबद्ध हो, सरकार प्रतिबद्ध है, प्रशासन प्रतिबद्ध है, और किसान के तो प्रतिबंध है। मेरे को एक तो प्रतिबद्ध हो गया, नहीं मैं लगा दिया प्रतिबंध, क्या मामला हुआ? मैं आपको तो पहले ही मरा हुआ तड़फ रहा देश का अन्नदाता, आप ये व्यवस्था पहले भी तो कर सकते हैं सर। नहीं, हमने जो व्यवस्था थी, सरकार ने जो परचेज की एजेंसी होती है उसकी व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट मिलिंग कमेटी द्वारा की जाती है। हम देश के अन्नदाता किसान से पूछ रहे थे, इनकी बात से कितना संतुष्ट है जी? इनसे ये पूछिए, पंजीकरण का मतलब क्या होता है कि इस तारीख को इतनी फसल आनी है? बाहर देना कौन पता करेगा? हमने थोड़ा करना है, हमारे को पंजीकरण दिया है, हम फसल लेके आ रहे हैं, बाहर देना उन्होंने करना है। बाहर देने की पंजीकरण का मतलब क्या हुआ? ये तो ये चावल गिरी आ गई। अरे भाई साहब, बारदाने की व्यवस्था करना किसका काम है, किसकी जिम्मेवारी है, किसकी ड्यूटी है सर? बारदाने की व्यवस्था करना परचेज एजेंसी की जिम्मेवारी है, जिसने परचेज करनी है। आप सेक्रेटरी हैं, आप परचेज एजेंसी बात तो कर सकते थे इस बारे में। मार्केट कमेटी, मार्केट कमेटी से भी दो। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि किसान है जो मानने के मूड में नहीं है, गेट पर ताला जड़ दिया गया है और वो गेट नहीं खोलेंगे। बारदाने की समस्या कहते हैं, जो उठान नहीं हो पा रहा उसकी समस्या कह रहे हैं, और यहाँ पर सचिव है और जो तहसीलदार है रामपाल, नायब तहसीलदार, वो अब बात कर रहे हैं, उच्च अधिकारियों से बात चल रही है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी वो गेट खुलवा पाते हैं, क्योंकि अगर गेट नहीं खुलता तो रोड भी जाम होगा, कानून व्यवस्था भी धरी की धरी रह जाएगी, और किसानों को तो जो दिक्कतें आ रही थी वो और बढ़ेंगी। आप देख सकते हैं लामबंद यहाँ पर हो चुके हैं, अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं। बने रहिएगा आप कंचन टीवी के साथ, अब आपको अगली अपडेट हम देते रहेंगे। तब तक आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। अब अपडेट देना चाहेंगे, अभी गुफ्तगु उनके द्वारा की जा रही है, अधिकारियों के द्वारा, क्या वो रहने वाला है उनसे हम एक बार बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि अगली रणनीति क्या रहेगी। सचिव महोदय, तहसीलदार, आप भी यहाँ पर हैं, अब रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि वो शायद आर पार के मूड में आज। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसानों में रोष है, इनकी एक चार पांच दिन से जो है जीरी की खरीद नहीं होने लग रही। जैसे मार्केटिंग कमेटी सचिव ने हमारे को बताया है भाई, अब परचेजर जो है मंडी में आया हुआ है तो खरीद स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या आप आश्वस्त हैं जब इनसे बात की जाएगी तो खोल देंगे? बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि आज हम ये जो इनका है दाना दाना हम जो है इसकी बोली करवा देंगे। गारंटेड है? गारंटेड है। हमने आपकी तैयारियाँ, आप उसी क्या सारी तैयारियाँ की जाएंगी? मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, सरकार की तैयारियाँ पूरी हैं। ये क्या रहता है, कुछ ऐसा हो जाता है कुछ मंडियों में, जो छोटी मंडियां हैं उनमें व्यवस्था क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे अराइवल पहले होती नहीं थी। इस बार हमने व्यवस्था कर दी यहाँ पे जमींदारों के लिए, तो जमींदारों ने दूसरा रुख अपना दिया। अब इनको कैसे आप? हम तो आश्वासन यही करेंगे कि इस चीज को है ना, इस चीज में कुछ भी ऐसा नहीं है, जाम
ताकि जब मेरे परचेजर आए हुए हैं, सरकार ने भेजे हुए हैं मंडी में, परचेजर बैठे तो अंदर क्या परचेज चल रही है? परचेज ये यहाँ से साइड होंगे तभी जाके तो परचेज करवाएंगे हम, जब आप करा पाएंगे। क्या आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि अगली बार इस तरह की कोई दिक्कत ना आए, गेट को ताला ना जड़ना पड़े? मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, पहले भी कभी दिक्कत नहीं आई है और अब भी कोई दिक्कत नहीं आई है। तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, कुछ टाइम नई एजेंसी आती है, नई एजेंसी चूज करनी होती है सर, बैठाने में कहीं ना कहीं दिक्कत रहती दिक्कत रहे है। वो क्या थोड़ा टाइम लगता है उसमें। सचिव के तौर पर सारी जिम्मेवारी आप पर आती हैं, तो क्या अगली बार आप गेट को ताला नहीं लगने देंगे? नहीं लगने देंगे, हम तो अब भी नहीं लगने दे रहे। पुलिस प्रशासन को बुलाया गया है, क्या पुलिस बल का प्रयोग करके हटाया जाएगा? ना ना ना, हम पुलिस वाली कोई बात नहीं, इसमें तो आज किसान अंदाता है, उसके हिसाब से ही हम पेमेंट वो करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन टीवी से बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप वहाँ देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी आ गया, क्योंकि जाम यहाँ पर लंबा हो गया था। अब जाम को खुलवाने के लिए ही वो प्रयासरत है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी ये जाम खुलता है, क्योंकि मैं आपको दिखा दूं कि जो असंध रोड है, असंध से पानीपत रोड है, वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। आप लंबी लंबी कतारें देख सकते हैं यहाँ से, लंबी लंबी कतारें। कैमरामैन को कहूंगा कि वो यहाँ ट्रैक्टर पर चढ़कर पानीपत रोड का क्या हाल है वो भी दिखाए। आप देख सकते हैं पानीपत रोड बिल्कुल खचाखच भरा हुआ, देख सकते हैं बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, और शहर को ब्लॉक कर दिया गया है किसानों के द्वारा। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी ये जाम खुलवा पाता है पुलिस प्रशासन है या लोकल प्रशासन है, और किसान क्या करने वाले हैं, कहां तक वो निश्चित होंगे या नहीं, वो अधिकारियों की बातों से इत्तेफाक रखेंगे कि नहीं, नारेबाजी कब तक चलेगी, ये सब देखना होगा। कुछ किसान हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करते हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो देख सकते हैं। यहाँ पर एक और है हमारे, क्या लगता है सर, अधिकारी कहते हैं कि वो सुनिश्चित करेंगे कि आपका दाना दाना खरीदा जाए, तो क्या गेट खुलेगा? ऐसे अजी 15 दिन हो गए हैं, अभी तक तो बिका नहीं है, अभी तक तो बिका नहीं है, तो अब हम कैसे मान लें? तो क्या गेट बंद करना ही हल है फिर, और क्या करे, जिम्मेदार मजबूर होके करा है। 10 बज के हम वहां बैठे हुए हैं, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं सुनी, सेक्रेटरी साहब नहीं हमारे पास आए, कोई तहसीलदार साहब नहीं आए, फिर हम क्या करते? जब आपने गेट बंद किया आप सब आ गए, सारे हैं जी, देखो आपके सामने खड़े हैं जी। अब कहते हैं हम विश्वास दवाते हैं दाना दाना बिकेगा, हमारे को विश्वास नहीं है जी, बिल्कुल। अब वो कहते हैं कि जब सुबह 10 बजे तक से वो वहां पर बैठे थे तो तब कोई सुनवाई नहीं करने आया था। अब सचिव महोदय भी गेट पर है, तहसीलदार भी गेट पर है, पुलिस प्रशासन भी गेट पर है, लामबंद है किसान, खड़े रहेंगे जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता, बारदाने की समस्या को दूर नहीं किया जाता, मॉइस्चर की समस्या को दूर नहीं किया जाता, तब तक वो यहाँ खड़े रहने वाले हैं, और कंचन टीवी भी खड़ा रहने वाला है तब तक जब तक ये गेट नहीं खुल जाता, जब तक किसान संतुष्ट नहीं होता, जब तक प्रशासन यहाँ पर है तब तक हम भी डटे रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों से प्रशासन की बातें चल रही है। जो नायब तहसीलदार है रामपाल, वो कोशिश करते हुए, आपको बता दें कि जो तहसीलदार रामपाल हैं वो हर बार प्रशासन सफीदों प्रशासन के संकट मोचन की भूमिका में हमेशा रहते हैं। कोई भी समस्या हो, जाम हो, कोई भी प्रदर्शन हो, तो उन्हीं की एक सक्रिय भूमिका रहती है, और आज भी आप देख सकते हैं रामपाल जी यहाँ पर पहुंचे हैं और बात कर रहे हैं, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी मर गया, हाय हाय, इस तरह के नारे यहाँ पर लगातार आप मेरे पीछे सुन सकते हैं, किसान लगातार लगे हुए हैं। अब यहाँ पर बात कहीं ना कहीं सिरे चढ़ती हुई वो बात कर रहे हैं,
देखते हैं कि क्या रहता है, उनसे बात की जाएगी जी। कहीं ना कहीं किसानों को समझाते हुए किसानों से बात की जा रही है कि वो खोल दें, शायद वो खोल दें, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं, उनको सहयोग तो करना ही पड़ेगा। अब प्रशासन जो है वो अंदर जा रहा है किसानों के साथ उनकी समस्या को देखने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब कहीं ना कहीं अंदर जाके गेट खोल के अंदर जाके अब वहाँ पर 25 रुपये कटा है, 30 रुपये मार गए हैं। अब देखिएगा यहाँ पर वो अंदर गए हैं और वो वहाँ पर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि खरीद हो रही है नहीं, एजेंसी यहाँ पर आई है कि नहीं, और हम आपको तब तक अपडेट देंगे। बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ, हम दोबारा लौटेंगे, आपको बताएंगे क्या रहा यहाँ पर, क्या खरीद शुरू हुई है, क्या किसानों ने बात मानी है, क्या किसानों की बात मानी गई है। तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ।